हेलो गाइस एंड वेलकम टू एट वार मोटो राइट। तो आज के वीडियो में मैं रिव्यू कर रहा हूँ बजाज पल्सर NS 160 2024 मॉडल का। इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या नए फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या बदलाव हैं और इसकी प्राइसिंग क्या है, माइलेज क्या है, आज के वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिज़ाइन की। तो यहाँ पर डिज़ाइन में आपको नया अपडेट मिलेगा इसकी हेडलाइट में। कंपनी ऑफर करती है LED हेडलाइट विथ DRL। यहाँ पर आपको डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया मिलेगा, जैसे कि NS 200 और NS 125 में आया है, वैसे ही आपको यहाँ पर हेडलाइट सेम मिलेगी। LED इंडिकेटर मिल जाएंगे यहाँ पर अब आपको, जो कि पहले नहीं आते थे। साथ ही साथ यहाँ पर मडगार्ड के ऊपर आपको देखने को मिलता है कार्बन फाइबर का स्टिकर, ब्लैक कलर में मडगार्ड है, सिल्वर कलर के आपको देखने मिल जाते हैं या फिर ग्रे कलर में मिलते हैं आपको स्टिकर्स, डुअल चैनल ABS की ब्रांडिंग और ग्रे कलर में आपको अपसाइड डाउन फोक मिलता है फ्रंट में, जो कि बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन देता है। यहाँ पर 160 की ब्रांडिंग आती है, टैंक के ऊपर आपको कुछ ऐसे स्टिकर्स मिल जाते हैं और टैंक पर पल्सर की ब्रांडिंग डार्क क्रोम फिनिश में। यहाँ पर मिलता है आपको रेड कलर का स्टिकर, फ्यूल इंजेक्शन की ब्रांडिंग, स्प्लिट सीट सेटअप और यहाँ पर NS 160 की ब्रांडिंग आती है। यहाँ पर आपको ग्रे एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है स्टिकर्स में। साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो साइड से पल्सर NS 160 बहुत ही बढ़िया लगती है। एज यू कैन सी गाइस पहले जैसी लगती है, लेकिन इसका डिज़ाइन पहले भी अच्छा था और आज भी अच्छा है, और अपसाइड डाउन फोक आने की वजह से और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है पल्सर NS 160। और रियर में आप मोटर टायर मिलता है आपको, और रियर प्रोफाइल की बात करूँ तो रियर में भी आपको डिज़ाइन सेम मिलेगा पहले जैसा, जो कि अट्रैक्टिव प्लस स्पोर्टिव प्लस यहाँ पर आपको अग्रेसिव मिलता है पीछे का डिज़ाइन। स्प्लिट टेल लाइट, स्प्लिट ग्रैब हैंडल और साथ ही साथ टेल टाइडी और यहाँ पर टायर हगर। तो यहाँ पर डिज़ाइन को जैसा मिलता है रियर से, इधर आपको किक मिलेगा जो कि 160 cc कैटेगरी में अच्छे खासे कंपनी निकाल चुके हैं, लेकिन बजाज यहाँ पर प्रैक्टिकल रहता है और किक देता है इस बाइक के अंदर, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और इसके इंजन पर बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी गई है, वो है DTSI ट्विन स्पार्क। तो आपको इसके अंदर DTSI टेक्नोलॉजी मिलती है। बाकी आपको इस बाइक का डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। अब बात कर लेते हैं इसके मीटर की। तो यहाँ पर दूसरा अपडेट मिलता है इसके मीटर में। यहाँ कंपनी देती है फुल्ली डिजिटल मीटर। इसके अंदर आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर मिलता है और यहाँ पर आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिलेगा इसके अंदर आपको, और देख सकते हैं नेविगेशन की ब्रांडिंग यहाँ आती है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी यहाँ मिलता है, ABS वार्निंग लाइट, इंजन चेक लाइट, लो ऑयल इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर मिलता है इसके अंदर। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी मिलता है, इसकी मदद से आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं लॉन्ग राइड में। और यहाँ पर अपन दोबारा से ऑन करेंगे इसके मीटर को, तो यहाँ पर आपको देखने मिलता है कुछ ऐसा मीटर, सर्विस रिमाइंडर है, क्लॉक मिलती है इसके अंदर और यहाँ पर आपको ट्रिप भी। तो यहाँ पर आपको देखने मिलता है ओडोमीटर, साथ ही साथ इसके अंदर आपको RPM लाइट मिलती है, स्मार्ट कनेक्ट की ब्रांडिंग, सिल्वर कलर की आउटलाइन मिलती है इसके मीटर पर। और बटन्स की बात करूँ तो राइट साइड में आपको मिलता है इंजन किल स्विच, इसके नीचे आपको देखने मिलता है ये DRL ऑन ऑफ स्विच और इसके नीचे सेल्फ स्टार्ट बटन मिलता है आपको। लेफ्ट साइड की बात करूँ तो यहाँ पर पासिंग स्विच और लो बीम हाई बीम बटन एक ही बटन में मिलेगा। इसके नीचे आपको मेन्यू सेलेक्ट बटन मिलता है, इसके नीचे इंडिकेटर वाला बटन मिलता है, इसके नीचे हॉर्न मिलता है, ऐसा कुछ हॉर्न आता है NS 160 के अंदर। क्लिप ऑन हैंडल बार मिलते हैं, रियर व्यू मिरर आपको प्रॉपर मिलते हैं, तो यहाँ पर ये सब सेक्शन आपको अच्छा मिलता है, यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं मिलती, परफेक्ट है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल और इसके फीचर्स। बाकी अब चलते हैं फ्रंट की तरफ। तो इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो यहाँ पर अब ऑल LED सेटअप मिलता है, हेडलाइट LED है और इंडिकेटर भी आपको LED मिल जाएगा अब, जो कि पहले नहीं आता था, और इसकी जो टेल लाइट है वो भी आपको अब LED मिल जाती है। एज यू कैन सी गाइस यहाँ पर टेल लाइट देखते हैं तो LED मिल जाती है आपको। तो यहाँ पर आपको टेल लाइट, हेडलाइट, इंडिकेटर परफेक्ट मिलते हैं NS 160 की। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल्स आपको परफेक्ट मिलता है इस बाइक का, जो कि अपाचे में कम रहता है इसके सामने। और सस्पेंशंस की बात करें तो अब अपसाइड डाउन फोक आते हैं फ्रंट में 37mm के, जो कि अच्छे से काम भी करते हैं, दिखते भी अच्छे हैं। रियर में आपको देखने को मिलता है मोनोशॉक, जो कि नाइट्रॉक्स वाला है 7 टाइम एडजस्टेबिलिटी के साथ, जो कि 160 cc कैटेगरी में सिर्फ इस बाइक के अंदर आएगा नाइट्रॉक्स मोनोशॉक, जो कि बहुत ही बढ़िया ट्यून रहता है। और बात कर लेते हैं अपन टायर्स की। तो यहाँ पर कंपनी देती है फैट टायर, फ्रंट में मिलता है आपको 100 सेक्शन का टायर, और उधर साइड से दिखाऊंगा मैं साइज़। यहाँ पर मिलता है आपको 100/80/17 का टायर, 17 इंच का अलॉय व्हील, फ्रंट टायर अच्छा मोटा है। और रियर की बात करूँ तो रियर में आपको 130/70 17 इंच अलॉय व्हील मिलता है, 130 सेक्शन का टायर मिलता है रियर में। मैं उम्मीद कर रहा था 140 सेक्शन के टायर की, क्योंकि कॉम्पिटिशन में MT 15 में 140 सेक्शन का टायर आता है, इसलिए इसके अंदर भी 140 सेक्शन टायर आना चाहिए।
बाकी चलते हैं ब्रेक्स की तरफ। तो यहाँ पर कंपनी देती है सेगमेंट के सबसे बड़े ब्रेक्स। सामने मिलता है आपको 300 mm का डिस्क विथ डुअल चैनल ABS, मतलब सामने भी ABS है पीछे भी ABS है। और रियर में आपको 230 mm का डिस्क मिलता है विथ डुअल चैनल ABS। तो यहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS मिलता है जो कि ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करता है राइडर को। और कॉम्पिटिशन में अपाचे में भी मिलता है आपको डुअल चैनल ABS, और साथ ही साथ पल्सर N160 में भी आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, एक्सट्रीम में भी आपको डुअल चैनल ABS मिलता है। तो यहाँ पर आपको ब्रेक्स अच्छे मिलते हैं अपनी NS160 के, लेकिन इसके जो डिस्क का साइज़ है सबसे बड़ा है उन बाइक के कंपैरिजन में। बाकी अब चलते हैं इंजन की तरफ, जो कि इस बाइक को ख़रीदने का हाईलाइटेड फीचर है। यहाँ पर मिलता है आपको NS सीरीज़ का इंजन जो कि है 160cc ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve BS6 फेस टू कम्प्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकालता है लगभग 17.2 PS की, और मैक्स टॉर्क निकालता है 14.6 न्यूटन मीटर का विथ 5-speed गियरबॉक्स। और यहाँ पर आपको किक भी मिलता है जो कि इसके कंपटीशन में आई बाइक से निकल चुके हैं। यहाँ पर आपको किक मिलने का फ़ायदा मिलेगा। और दूसरे कंपनी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस बाइक के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर बजाज ने किक रख के बहुत ही बढ़िया काम किया है। और यहाँ आपको पावर बहुत ही अच्छी मिलती है जो कि 17.2 PS की है, और 4-valve इंजन है तो टॉप एंड परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिलेगी पल्सर NS160 से। थोड़ी कम है अपाचे के सामने, लेकिन जो भी है आपको NS सीरीज़ की बाइक अच्छी परफॉर्मेंस ही देती है। और माइलेज की बात करें तो आपको आराम से यह बाइक 40 का माइलेज सिटी में देगी और हाईवे पर 45 का। तो कुछ ऐसे माइलेज फिगर्स मिलते हैं आपको पल्सर NS160 से। सीट कंफर्ट की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट सेटअप मिलता है, राइडर कंफर्टेबल रहेगा और पिलियन थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ी कम चौड़ी सीट है, ज़्यादा चौड़ी सीट आती तो और अच्छा होता। बाकी राइडर के लिए आपको अच्छी खासी जगह मिलती है और राइडिंग पोजीशन भी अच्छी है, तो यहाँ पर लॉन्ग राइड करना हो तो आप सिंगल राइड कर सकते हैं इस बाइक को। और सीट हाइट की बात करूँ तो लगभग ये 800 mm की सीट हाइट के साथ आती है, और मेरे हिसाब से सीट हाइट परफेक्ट है। अगर आपकी हाइट 5'3" है तब भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। और यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो यहाँ पर 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है विथ मेन स्टैंड साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर। ग्राउंड क्लियरेंस भी परफेक्ट है स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से पल्सर NS160 का। ओवरऑल वेट की बात करें तो NS160 का ओवरऑल वेट है 152 kg का, जो कि 160cc में थोड़ा हेवी है। अपाचे से, एक्सट्रीम से और अपनी हॉर्नेट से भी ये थोड़ी हेवी आती है, तो यहाँ पर थोड़ा हेवी रखा है बजाज ने इस बाइक को। मेरे को लगता है स्टेबिलिटी अच्छी मिलेगी, लेकिन वेट ज़्यादा रहने की वजह से माइलेज पे इंपैक्ट पड़ता है और परफॉर्मेंस भी थोड़ी कम हो जाती है, तो यहाँ पर बजाज को थोड़ा कम करना चाहिए पल्सर NS160 का वेट। बाकी अब बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइसिंग की। अगर आपको बजाज ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप राजयोग बजाज उदीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर बजाज पल्सर NS160 2024 मॉडल ऑन रोड देखने को मिलता है 1,82,000 रुपये की प्राइस पर। 1,82,000 रुपये में ये बाइक कैसी रहती है वो डिस्कस करेंगे। तो भाई मेरे को ये बाइक थोड़ी प्रीमियम लगी, क्योंकि 1,80,000 के ऊपर भी 2,000 रुपये देना है आपको, 1,82,000 रुपये। अगर आप 10,000 बढ़ाते हैं तो आपको पल्सर NS200 मिल जाएगी जो कि ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑफर करेगी, लेकिन माइलेज थोड़ा कम आता है उस बाइक का। और साथ ही साथ अपाचे को देखते हैं तो अपाचे का टॉप वेरियंट 1,67,000 रुपये मिल रहा है, लगभग इस बाइक से 15,000 सस्ती बाइक है वो। और अगर आप एक्सट्रीम लेते हैं तो एक्सट्रीम भी आपको लगभग 1,75,000 तक मिल जाएगी, इससे लगभग 7,000 रुपये सस्ती है वो बाइक। और अगर आप परफॉर्मेंस ही लेना चाहते हैं, ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, बजट टाइट है, तो आप पल्सर 220F देखो, वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तब, क्योंकि उस बाइक की प्राइस 1,75,000 रुपये है और वो 220cc की बाइक है, 20 हॉर्स पावर निकलती है वो बाइक है, 17 हॉर्स पावर। तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से प्राइस बहुत ही ज़्यादा मिलती है, परफॉर्मेंस ज़्यादा रहना चाहिए था इसके अंदर, या फिर इसकी प्राइस लगभग 1,70,000 के करीब रहना चाहिए था। मेरे को इस बाइक की प्राइस थोड़ी प्रीमियम लगी, बाकी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी आपको फीचर्स अच्छे खासे मिलते हैं, ऑल LED सेटअप, अपसाइड डाउन फोक, मोनोशॉक और ट्रेलिस फ्रेम, और यहाँ पर टायर भी अच्छे मोटे मिलते हैं, लेकिन प्राइस के हिसाब से मेरे को यह बाइक जस्टिफाइएबल नहीं लगी। अगर आप 10,000 से 12,000 रुपये डालते हैं तो पल्सर N250 भी ले सकते हैं आप, या फिर पल्सर NS200 भी ख़रीद सकते हैं, या फिर इससे आप 2-3,000 सस्ते में अपाचे 200 4V भी ख़रीद सकते हैं। 200cc की बाइक इससे सस्ते मिल रही है आपको। तो यहाँ पर मेरे को इस बाइक की प्राइस थोड़ी ज़्यादा लगी, अगर आपको कम लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। और कमियों की बात करूँ तो मेरे को इसके अंदर और ज़्यादा मोटा टायर चाहिए था, 140mm का रियर में टायर आता तो और अच्छा होता। साथ ही साथ यहाँ पर मैं उम्मीद कर रहा था TFT पैनल की, क्योंकि अभी तक इसके अंदर TFT डिस्प्ले नहीं आया, और R15 जैसा या फिर NS400 जैसा इसके अंदर भी TFT डिस्प्ले आना चाहिए इसके मीटर में। बाकी फीचर्स अच्छे खासे हैं, लेकिन अगर अपन MT या फिर R15 को देखते हैं तो उनसे तो सस्ती आती है पल्सर NS160, लेकिन उन दोनों बाइक की क्वालिटी अलग लेवल पर रहती है और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी है इससे।
तो यहाँ पर कंपैरिजन भी करते हैं तो वो बाइक की परफॉर्मेंस ज़्यादा निकलती है, इसलिए वो बाइक मेरे को जस्टिफाइबल लगती है। लेकिन ये बाइक थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करती है कस्टमर से। मेरे हिसाब से आप या तो NS200 लो या फिर N160 लो इसके कंपैरिजन में। बाइक अच्छी है लेकिन थोड़ा प्राइस ज़्यादा लगा मुझे पल्सर NS160 का। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको बजाज पल्सर NS160 2024 मॉडल का रिव्यू दिया। आपको बाइक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।